हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जैन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है काफ़ी टाइम से डिले किया जा रहा था एंड इसका काफ़ी वेट किया जा रहा था मुझे कमेंट भी आ रहे थे सो so फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है टोटल वैकेंसीज़ हैं पच्चीस हजार दो सौ इकहत्तर पच्चीस हज़ार दो सौ इकहत्तर टोटल वैकेंसीज हैं जिसके लिए टेंथ पास क्योंकि ये एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल की पोस्ट है सो टेंथ पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट है 17 जुलाई 2021 से 17 जुलाई यानी आज से ही इसके नोटिफिकेशन सॉरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ओके सो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी वहां से आप इसको विजिट कर लीजिएगा हम इसका जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर करेंगे और साथ में अगर आप इसका सिलेबस भी चाहते हैं तो वैसे तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न एंड जो सिलेबस है उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी सो so, चलिए अभी नोटिफिकेशन देखते हैं सो so, आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर करेंगे ये जो आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल जीडी ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के लिए जिसमें एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम एंड ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं सो वो आप देख लीजिएगा ओके अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे तो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है सत्रह जुलाई से लेकर के इकतीस अगस्त दो तक लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन इकतीस अगस्त ओके एंड इसमें लास्ट डेट है एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट की है नौ सितम्बर दो हज़ार इक्कीस लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान चार सितंबर दो हजार इक्कीस लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स सात सितंबर 2021 एंड शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टर्स्ट इसकी अभी डेट uh, नहीं आई है ये आपको आगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ओके okay? अब यहाँ पर हम इसके बेसिक पॉइंट्स देखेंगे कि आपका जो भी एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो किस लैंग्वेज में होगा सो so, ये आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये एग्जाम दे सकेंगे एंड आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें पहले रिटर्न एग्जाम देन पीईटी पीएसटी मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है ऑनलाइन आज से एप्लीकेशन स्टार्ट है एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे ओके अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं कैटेगरीज़ बाइज भी दी गई हैं मेल एंड फ़ीमेल के लिए दोनों के लिए कितनी है तो मेल के लिए टोटल है बाईस हज़ार चार सौ चौबीस एंड फीमेल के लिए है दो हज़ार आठ सौ सैंतालीस एंड कैटेगरीज बाइज़ भी दी गई हैं सो आप देख ली देख लीजिएगा यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ अगर ओवरऑल देखें तो पच्चीस टोटल वैकेंसीज़ हैं इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर की मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सैलरी लेवल थ्री से इक्कीस हज़ार सात सौ से छः हज़ार उनहत्तर हज़ार सौ रहेगी इक्कीस हज़ार से ओके एंड इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अट्ठारह से तेईस साल एज लिमिट रखी गई है ये जनरल कैटेगरीज़ के, के कैंडिडेट के लिए है और ये जो एज है वो एक अगस्त दो के बेस पर देखी जाएगी इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एस सी कैंडिडेट को फाइव ईयर्स का ओ कैंडिडेट को थ्री ईयर्स का एक्स सर्विस के लिए थ्री ईयर्स का एंड अदर्स जो कंडीशन हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सो वो आप देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो <coughs> इसके बाद एलिजिबिलिटी में देखेंगे तो टेंथ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकेंगे ओके एंड टेंथ के अलावा अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है एन अगर आपने किया हुआ है तो एन के लिए भी जिन्होंने एन किया हुआ है सर्टिफिकेट है उनके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे एन सी सर्टिफिकेट वालों को फाइव परसेंट बी सर्टिफिकेट वालों को थ्री परसेंट एंड ए वालों को टू परसेंट बेनिफिट रहेगा इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन फीस हंड्रेड रुपीज़ है जैसा कि एस के जो भी सभी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें रहता है जनरल कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए फीमेल कैंडिडेट एस सी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी और फीस पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है जैसे भी मैंने आपको डेट बताया दो सेप्टेम्बर दो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट देन पीई पीएसटी, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जौन वाइज आप यहाँ पर देख सकेंगे आप जिस भी जॉन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर रहेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश सब जॉन अगर हम देखें तो इसमें भोपाल ग्वालियर इंदौर जबलपुर सतना सागर उज्जैन बिलासपुर रायपुर एंड दुर्ग भिलाई ओके अब यहाँ पर आप जिस भी जौन से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सेंटर किस सिटी में रहेंगे इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के रहेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और हिंदी के सभी के 25 फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स के रहेंगे नाइन्टी मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चनस रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकेंगे एंड देयर विल बी निगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर सो आप केयरफुली इसमें आंसर दीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन काफ़ी आता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं तो इसमें क्लियरली है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क्स माइनस किया जाएगा एक आंसर गलत होने पर ठीक है अब हम यहाँ पर पी अगर देखें क्योंकि फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट यहाँ पर आप सिलेबस डिटेल में देख लीजिएगा पी के लिए आप आ, रेस रहेगी जिसमें मेल के लिए फ़ाइव किलोमीटर इन ट्वेंटी फोर मिनट में एंड फीमेल के लिए वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर साढ़े आठ मिनट में रहेगी ये है लद्दाख स्टेट से के अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए अब जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर इन सिक्स एंड हाफ मिनट में ये मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल के लिए एट मीटर रहेगी इन फोर मिनट ओके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखेंगे तो इसमें हाइट रखी गई है मेल के लिए एक सौ सत्तर सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए एक सौ सत्तावन सेंटीमीटर इसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आप जहाँ से जैसे कि इसमें एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है सो so, यहाँ पर चेक करेंगे जैसे एस टी कैंडिडेट में मेल के लिए एक सौ बासठ है और फीमेल के लिए एक सौ पचास सेंटीमीटर रखी गई है इसी तरह से और भी अदर रिजर्व कैटेगरी से अगर आप जो भी कंडीशन यहाँ पर लागू होती है तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा चेस्ट यहाँ पर मेल के लिए अनएक्सपेटेड एटी सेंटीमीटर एंड मिनिमम एक्सपेंसन फाइव सेंटीमीटर है रिलैक्सेशन रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सो यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो यहाँ पर दिया गया है अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड पासपोर्ट या आईडी डी कार्ड इस यूज बाई डी यूनिवर्सिटी सो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा अब मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगी अगर आप चाहते हैं कि जो सिलेबस है उसका मैं वीडियो अपलोड करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए मैं वीडियो अपलोड करूँगी ओके okay? अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पासिंग मार्क्स रहेगा उसमें दिया गया ई डब्ल्यू एस ई एस एम एंड अनरिजर्व थर्टी फाइव परसेंट एस सी एस टी ओ वी सी के लिए है थर्टी थ्री परसेंट स्कोरिंग बिलो मैंसन कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर यह ये दिए गए सो so फ्रेंड्स आप अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं एक एक मिनट और मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ जिस तरह से मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर आपकी भर्ती की जाएगी किस किस डिपार्टमेंट में तो बी एस एफ सी आई एस एफ एस एस बी आई टी बी पी आसाम राइफल्स एंड एस एस एफ ओके सो so, आप इसके लिए नोटिफिकेशन लिंक दे दिया गया है वहाँ से विजिट कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा थैंक यू